नहर वाले पुल से बुला के ते माही किथे रह गया। हाँ जी हाँ जी बैगम साहब जी, मैंने सारा फ्रिज साफ कर दिया, बड़ी मजेदार चीजें दी थी। क्या जी आपने कहा था फ्रिज साफ कर दिया, मैं कितनी आया ब्लैक एंड व्हाइट इन कलर। वाह वाह, दिल से तेरी निगाह दिल तक को चली गई। ओ ये तो कोई शायर इसे तो कैसे मैं सुना के मार दी। जी सुनाइए। आप मुझे कितने ध्यान रखती हैं? जी जी यहाँ एडहॉक बेसिस पे है, नंबर दो एडहॉक। कैसी बोलती हैं? नजर आपकी कमजोर लगती है। आप कितने दिन ठहरेंगे? अर्थ किया है तुम ये दराज मानकर लाए हैं चार दिन। चेयर नंबर दो। एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकता है। जी जी आपका नाम? खादिम को करामत चश्मी कहते हैं। बात सुनिए, ये हमने तोता चश्मी तो सुना है, तो ये करामत चश्मी क्या हुआ? खातून ये इससे भी आगे की चीज है, आप देखें तो सही। जी माशाल्लाह। अमित रंबो रंबो जान रंबो इस मालकन हमारे इस गेस्ट हाउस की बेगम शमी। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। खातून तो गया आपकी शोर का नाम मुकाले शुरू है। ये देखें कोई अकल की बात किया करें, उसने कहा है बेगम शमी, तो जाहिर है कि मेरे शोहर का नाम शमी नहीं है। माफी चाहता हूँ। कोई बात जी, ये कमल मैं नवाजिश। दरअसल खातून हम शायर किस्म के लोग हैं। ओहो तो नहीं नहीं, यहाँ तो मुशायरा वगैरह नहीं है। हमारे कयाम और काम का बंदोबस्त अमूमन शायरे की जो मुशायरे की इंतजामिया होती है वही करती है, लेकिन आप फिक्र न करें, हम अपने कयाम और काम का बंदोबस्त खुद करेंगे, आप परेशान न हो। इमाम और तमाम कयाम और काम खैर इमाम और तमाम साहब, ये मैं ऐसी छोटी छोटी बातों में परेशान होने की आदी नहीं हूँ, इस किस्म की चीजें आती रहती हैं। हाँ जी मैं छोड़ आता हूँ। बात सुनिए, ये यहाँ आज भी बुनियादों पे काम कर रही है, वक्त जाया ना करें। जी जी मुझे जी हाँ जी बेगम साहब जी, मैं छोड़ के आता हूँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये 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 सारा आपका कमरा है। हाँ जी इधर से ये देखिए, वैसे मैं आपका सामान रख रहा हूँ यार रेम्बो। हाँ जी, ये जो तुम्हारी बेगम शमीम है ना जी, खासी बदआदाब खातून है, इन्हें किसी ने नहीं बताया कि मेहमानों से किस तरह बात की जाती है। वो सर जी ये तो कुछ भी नहीं है जी, अब तो काफी बेहतर हो गई है। पहले जब मैं यहाँ नया नया आया था ना जी, उस वक्त मजाल है जी किसी की कोई उनके सामने सीधी बात कर जाए, तोहफा तोहफा जी। सर जी ये तो मैंने यहाँ आके थोड़ा सा शारियाना माहौल पैदा किया ना जी, ये उसका असर अलग है। मेरी तो पता जी, शौक तो बड़ा है ना जी, पर कोई अभी तक उस्ताद नहीं मिला जी जो पॉलिश करे मुझे निखारे जी। जरा मियां उस्ताद की तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ऐसा निखार दूंगा जैसे तुम वाइपर से फर्श को निखारते हो जी। बस तो फिर तो मुझे उस्ताद मिल गया ना जी। ऐसा करो फिलहाल अपना कोई शेर अर्ज करो। शेर अर्ज करो? एक मिनट जी, मैं अभी शेर कहा जा रहे शेर जी। हाँ मिल गया जी, अर्ज किया है जी। क्या? माँ की दुआ जन्नत की आवाज, जलने वाले का मुंह काला। मियां अपना कोई शेर कहो जी। अपना तो मैंने अभी तक उस्ताद जी कोई नहीं लिखा ना जी, वैसे एक शेर मुझे और बड़ा पसंद है जी। हैं वो सुनाओ जी। अर्ज किया है, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। वाह 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 वाह, यानी जफा भी आ गई और वफा भी आ गई, और क्या कर रही हूँ ये भी आ गया। तो हवा वैसे वैसे तुम्हें अभी इतना की जरूरत है। हाँ सर जी देखे ना जी, अब तो मैंने आप तो अपना दिल से ना उस्ताद मान लिया है। उस्ताद मान लिया? हाँ जी, अब जितनी भी कमियां ये तो आपने पूरी करनी है ना जी। यार ये तुम्हारा जो नाम है ना जी, ये बड़ा गैर शायराना, इसके आगे पीछे कुछ लगाओ। नहीं आप उस्ताद मुहतरम के होते हुए मैं कुछ तकलीफ करता हुआ अच्छा तो नहीं लगता ना जी, जिसमें आप खुद ही कोई जरा से तकलीफ कर दें। तकलीफ कर दें नहीं कहते नालायक, ये कहते हैं आप। उसने कहा है
तो जाहिर है कि मेरे शौहर का नाम शमीम ही है। माफी चाहता हूँ। कोई बात जी, ये दरअसल खातून वो नहीं सर, छोड़े जी, इसको छोड़े, मेरे जहन में आ रहा है जी, असर हो गया जी आपका। हैं देखें, ओने आर सिगरेट, वो मेरा नाम भाई नाम इज रंबो रंबो जान रंबो ओ टारगनपुरी रंबो टारगनपुरी रंबो टारगनपुरी। हाँ जी, वाह 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 वाह, रंबो टारगनपुरी, ये तो कुछ भी नहीं है जी बाबा। यहाँ ये ऐसा करो, ये आपकी पौधा नवाजी है जी, ये मेरी तरफ से ले लो एक गजल। अच्छा, ये ज़बानी याद कर लो, ये तुम उस्ताद की तरफ से तबर्रुक समझा। सही बात, अदा अदा। ये मेरा कोई नहीं, किस रूम से? हाँ, रूम नंबर 13। हाँ जी, आपका खर्च जी आपका। ये रूम नंबर 13 में पानी की प्रॉब्लम है, प्लीज जरा क्या जी, आप कमरे में चले, मैं भी जाऊँ। सर मेरे कमरे पे डेंगू खराब हो गया, अगर कोई करवा दीजिएगा जी। आप चले, मैं क्या हुआ है, पेट में दर्द है, कोई और तकलीफ है? मैंने कुछ नहीं खाए थे। करने मामा फोत हो गए, कितनी बता दी, बताओ तो सही, हुआ क्या है? किसी ने कुछ खाया है? क्या भी अजीब अजीब का बात है, जो अजीब है, पता नहीं रोए जा रहे हैं। परेशान क्यों है यार, आखिर बात क्या है यार? मैं ना शहर हो गया, लोगों का तो नाम ही नहीं अपना रहता। एक दिन ने मुझे रंबो से रंबो टारजन पूरी बना दी है। तो इसमें रोने की क्या बात? रोने की बात है ना मिस तहमीना। तहमीना? हाँ जी वही, देखे ना आप, मुझे भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, वो ठंडी ठंडी आए भरना पड़ेंगी नजर लिखने के लिए, वो मिस्टर मीना। हाँ जी भाई, वो आप मेरा एक काम कर देंगी ना, आपकी नजर में कोई कोई मुर्गा भी, कोई परिंदा खूबसूरत, कोई मछली छछली, कोई ऐसी चीज हो ना तो मुझे बताए ना, मैं उस पर नजर देख के ना अपने उस्ताद जी को दिखाऊंगा। वो उस्ताद जी अपना वो चश्मी साहब है ना, क्या वो 12 नंबर वाले? हाँ जी, खुद उन्होंने मुझे अपनी शिकिर्दी में लिया, मेरी बाजू थामी है उन्होंने ऐसे करके। ये 12 नंबर में कौन है जी? शायर। शायर इप में कैसी मजबूरी। न्याय ये क्या है? ये चाय है जी, और ये हमारे गेस्ट हाउस का रिवाज है जी कि हम तमाम मेहमानों को 4 बजे चाय देते हैं। न्याय मेहमान मेहमान में फर्क होता है, हमें और मेहमानों के साथ तो ना मिलाओ, हम तो कौम का कीमती फरमाया है, शायर हैं, चाय वाय नहीं पीते हम। लो जी, कन्फर्म हो गया कि आप चाय इजी फील नहीं करते। हालांकि तमाम शायर जो है वो काढ़ा पीते हैं, वो मेरा मतलब स्ट्रांग किस्म की चाय पीते हैं दूध के बगैर। शायर शायर में फर्क होता है, तुम हमें और शायरों के साथ क्यों मिलाते हो? हैं? किसी और जमाने में पीते होंगे चाय, अपने अपने रिवाज की बात है, अब नहीं पीते। नहीं जी, तो फिर आपके लिए क्या लाऊं? यहाँ वो होता है ना, वो चाय, वो दूध और दही का अदरक का। हाँ हाँ, वही बहुत रिड़क दिया जी, ये आदरक का होता है। वही हाँ, वही ले लिए, शायर की सेहत अच्छी रहती है। अगर शायर की सेहत अच्छी ना हो तो अदबी ग्रहों का मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा है अपने जोरे बाजू से भरोसा करे, वरना 2-4 मुस्टंडे किस्म के बाले। इसका मतलब तो ये हुआ कि शायरी तो बड़ा कोई खतरनाक किस्म का काम है। यहाँ क्या बताएं तुम्हें, पूरा अदबी माफिया है,
बड़ा मुश्किल वक्त आन पड़ा है शायद। वैसे यार एक बात है, है जी, यानी सेहतमंद चाय से ये जो होते हैं ना दुबले पतले अजीब वो सारे दबे रहते हैं। इसलिए आपने रिड़का ये पूरा नहीं रिड़का ले आओ ले आओ मैं अभी अद, 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 ओ, ले आओ ना रिड़के जी हजूर आदाब वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम कैसे तशरीफ लाए आप? हजूर मैंने रायता अदब के एडिटर से मिलना। रायता अदब मैं उनके एडिटर कमाल आदमी आप सारा हाथ फ्री पर कर दिया आपने। आप यूं कीजिए गरम गरम दूध में अंडा मिलाकर पी लीजिएगा बहुत अच्छा। तशरीफ रखे आप यानी इतनी खुशी होती है कि जब कोई अपना आके मिले। पहचाना नहीं मैंने आपको। आपने मुझे नहीं पहचाना? हजूर मुझे करामो चश्मी कहते हैं, शायर हूँ, अपनी नज़्म गज़लें आपको भेजता रहता हूँ। करामो चश्मो पहले कभी आपसे मुलाकात नहीं। सब मैं इस्लाम आबाद आया हुआ था, आपसे मिलने को बहुत जी चाह रहा। मैंने सोचा मैं आपसे न्याज हासिल करता था। ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे किस सिलसिले में तशरीफ लाए आप? मेरी बात जरा लंबी है, आप काम से फारिग हो जाए। देखिए करामत चश्मी, अल्लाह को जान देनी है, आपने अपनी कब्र में जाना है और आप ही ने अपनी कब्र में जाना। मैं कहने का मकसद यह है कि कापियां जोड़ रहा हूँ, इस काम में खासा वक्त लगेगा, आपने जो कुछ कहना है वो जरा खुल के बयान कर दो। देखिए सर, मैंने आपको अपनी कई गजलें और नज़्में भेजी, बल्कि आपकी सहूलत के लिए मैंने अपनी तस्वीर का पॉजिटिव तक बनवा के आपको भेजा। मगर आपने कुछ नहीं था। नहीं ये आप बात करें। नहीं सवाल ये है कि मैं आपके रिसाले का सालाना खरीदार इसलिए बनाऊं भाई 5 अदद इश्तारात विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट के मैंने अपने खर्चे पे आपको भिजवाए। जनाब इतने पैसों से तो मैं अपना खर्चा निकलवा सकता था। नहीं आप बात ये है कि मैंने आपके साथ बहुत ताबुन किया, लेकिन मैं अब हर किस्म के ताबुन बल्कि कलमी ताबुन से भी हाथ खींचता हूँ। आखिर मेरी भी कोई शेरी आबरू है। यानी आप खुद ही सारी बात किए जाएंगे, हमें भी बोलने का मौका फ्राहम करें। यानी कोई तरीका होता है कोई बात करने का? आप भी सीम कर रखते। अच्छा आप बोलिए, मैं खामोश हो जाता हूँ। बात दरअसल ये है, अल्लाह को जान दे लिया, आपने अपनी कब्र में जाना और आप ही ने अपनी कब्र में जाना। का मकसद ये है कि जायका अदब ने हमेशा नई चीजें शामिल इशात रही। आपने जो चीजें हमें भेजी वो पहले ही किसी ना किसी और नाम से शाया हो चुकी थी। यानी आप मुझ पर सर्वे का इल्जाम लगा रहे हैं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तौबा 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 तौबा। यानी हम ऐसी बात कह सकते हैं? आप तशरीफ रखें। मुमकिन है आपके शागिर्दों में से किसी ने हरकत की हो। शागिर्दों में क्या करना है? लाहौर वाले उस्ताद ने ना गड़बड़ कर दी वो। आप तो साफ़ घबरा गए। जी अपना ताजा कलाम दीजिए। अच्छा जी, दो सफात हमने रखे हुए, अल्लाह को जान दे दी है। अभी हाँ अभी तो नहीं, मेरी ब्याज जरा गेस्ट हाउस में रह गई है, जबानी मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो मैं ऐसा करूँगा के कल आपको भिजवा दूंगा। इसमें ऐसी कौन सी बात है? इजाजत अल्लाह को जान दे दिया। मेरी बारी है। नहीं मेरी बारी है। मेरे बात सुना, वो इकबाल माजी साहब हैं,
वो इधर ही कहीं रहते हैं? जी हमारे अब्बू हैं। वो शायर जी तुम्हारे अब्बू हैं? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तू बेटे हमें उनके पास ले चलो जरा। क्या शेर मौजूद ऐसो फरहाद के जज्बे मैं अंबर की उठान मैं हूं सुकरात मुझे जहर बका देता। वाह 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 आदाब 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 सब क्या अछूता ख्याल है। वाह 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 हमें हो सकता। आइए आइए भाई कमाल है यार अब से इतने दिनों में चक्कर लगाए क्या बात है। बस यार क्या करूं रिसाले वाले नजमे नहीं छापते ऊपर से मुशायरे बन नहीं तो कभी वही चक्कर लगा लिया करो मिलने मिलाने के लिए। आज टाइम मिला है तो आ गया हूँ। तुम सुनाओ तुम्हारी सेहत का क्या है? सेहत क्या है भाई जो कुछ है तुम्हारे सामने ही खुद ही देख लो। यहाँ तो कोई ये भुना हुआ गोश्त कभी 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 सेब ये अनार बना खाते रहा करो सेहत अच्छी रहती है। माशाल्लाह क्या नुस्खा बताया सुभान अल्लाह वाह वाह। मियां बच्चों की गर्दन दबा दूं ना तो फौरन शुरू कर दूंगा नुस्खा। जी वो मैंने एक तबा आजमाई की थी एक नजर जरा देख लीजिए। नहीं ये एक नजर का काम नहीं है बहुत देखना पड़ेगा इसे छोड़ जाओ मैं फिर देख लूंगा इसे। लेकिन भाई मुझे तो जायका अदब के लिए फौरी जरूरत है। अरे भाई मुझे भी फौरी जरूरत है बागीचा फाल के लिए। अच्छा अच्छा इसका मतलब है कि कुछ तैयार है। रात चार आकार का निकलिए चार बेहतरीन है एक पढ़ोगे तो फड़क उठोगे। इनायत कर दीजिए हाँ वो बदले नहीं रखी थी ये तो नहीं नहीं ये है ये है। हाँ यही वाली है नवाजी। अब आपने ये गजलें निकाल दी हैं हाँ। तो अपने हाथों से भी निकाल दे समझे मेरी होगी। अरे परेशान क्यों हो आज तू पहली मरतबा तो आए नहीं है नवाजी इजाजत। अच्छा अच्छा भाई अच्छा आते जाते रात हो ये क्या बदतमीजी है भाई ये गेस्ट हाउस है कोई चिल्ड्रन पार्क तो नहीं है। सर जी अर्ज किया है क्या किया कि ये इश्क नहीं है शाम क्या हो गया बस इतना ही समझ में क्या 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 जी सर ये इश्क नहीं है शाम बस इतना समझ में एक आग का दरिया और खुद खुद आगे जाना है तो जाओ। सर जी दो तीन दिन की छुट्टी दे दो जाऊंगा नहीं दो तीन दिन की नहीं क्या 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 कह रहे हो क्यों जाना है कहाँ जाना है किस लिए छुट्टी चाहिए। सर जी मैंने उधर पीछे गांव जाना है ना जी वो वहां जरा जाके मैंने शायराना माहौल देखना है जी। क्या 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 देखना है कौन सा माहौल देखना है शायरी का सर मैं शायर हो गया जी माई मैं अमित रंगो रंगो टारजनपुरी तू पागल हो गया है क्या वहां जाके करेगा क्या। सर जी मैंने कुछ दो चार शेर लिखे हैं ना जी वो मैं
गेस्ट हाउस। ये देखो सबको शायरी हुई हुई है यहाँ। आधा बजे बेगम साहब, ये आप नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा देती हैं, इधर बुलाने की जहमत क्यों की आपने? ना ये कोई तरीका, आधी रात को आपने आके दरवाजा खटखटाया हमारा। आधी रात? खातून आप कलर ब्लाइंड तो नहीं? देखिए बात सुने, तमीज से बात करें मेरे साथ। अच्छा ये घर है, ये कोई होटल नहीं है? जी मैं भी यही कह रहा हूँ, ये घर है कोई होटल नहीं है, और आप भी मेरे साथ तमीज के साथ बात करें। मैं औरत से क्या बात करूं? ना करें। और बात सुने, आपने आके दरवाजा खटखटाया, सारा गेस्ट हाउस जाग पड़ा, ये बात क्या है, ये तरीका क्या? सारा गेस्ट हाउस क्यों नहीं आगे दरवाजा खोलने के लिए? बहरहाल मैंने आपको कह दिया कि हमारी लास्ट वार्निंग है, इसके बाद अगर आप दोबारा 12 बजे के बाद यहाँ आए ना तो ना कोई दरवाजा खोलेगा और ना ही कोई आपको अंदर आने देगा, आपको गोरिया विश्राम गोल कर देंगे, समझ नहीं आपको? के बाद रुखसती। कमाल है, अजीब गेस्ट हाउस है, यानी यहाँ बामावजा मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता, और आज रात तुम पर मुशायरा है जी, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। आओ मियां आओ मेरे साथ। सरजी मुशायरा? वो मैं मेरा एक मित्र फंसा हुआ जी, मैं वो दिखा। चलो ये रैम्बो तो गया। शबे विसाल में वो आपकी नवाजिश। अच्छा लिखा जा रहा है, कदम रंजा फरमाइए, मेरी मेरी इज्जत अफजाई है सर। बस ये तो देखे ना, हमारी किस्मती है कि आप यहाँ आए, जब से आप आए हैं कुछ शायरी सी हो गई है। हम तो सोच रहे हैं कि गेस्ट हाउस का नाम अब मुशायरा हाउस रखें। खत आते हैं अल्लाह, मैंने एक ताजा गजल कही है। यार ये देखें, बेगम साहब आप वो जरा तरन्नुम में सुनाए। ये सर पहले से शेयर करते हैं, जब से आप आए हैं कुछ इसकी। मैं मुझे बहुत शौक था दरअसल बचपन से शायरी का, बड़ी मैं यूनिक किस्म की चीजें कहती हूँ, तो वो ये है कि मैंने कहा आपसे कुछ इतला भी हो जाएगी। बहाने कोड़ी आई कोड़ी वाले की, गली बाती सारी दुनिया को चाड़ती। कोड़ी आई कोड़ी वाले की, गली बाती सारी दुनिया को चाड़ती। आया जो टीआईपी का ख्याल, तो आंखें बरस पड़ी। आंसू आंसू किसी की जेब के कितने करीब थे। अर्ज किया है कि मौत के मुंह में बैठकर खुशियां मनाने वाले, मौत के मुंह में बैठकर खुशियां मनाने वाले, हाफिज खुदा तुम्हारा हांडी पकाने वाले। ये मुराद किचनपुरी है सर, इसका तखल्लुस है मुराद किचन। मेरी रूह सर कोड़ी आए सर, आप ताजा ये जी सर, ये तो आप ताजा क्लास है। मैं अभी आपको ताजा तरीन गजल जो मैंने कही है ना रात ही बैठकर, ये निकल आई, ये निकल आई, ये वाह वाह। अर्ज किया है तनु नहर वाले पुल से बुला के तेरे रंबो माही किथे रह गया। रंबो ये गाना नहीं गाना है, जो मैंने गजल दी थी वो याद रखो। हाँ ये कलने में दबा दो, ये शायरों के लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छा जी ये कपड़े तो उस्ताद जी आपने मुझे बड़े अच्छे दे दिए हैं जी, तो ये पान भी जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है। नहीं बस जी ठीक है फिर आप चले। ताजी आगे जा रहा है ना? नहीं 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 यहाँ से लेकिन साहब पता चलेगा, कुंडी लगा दी कुंडी इधर चले। बाहर आए बाहर जाए, चमन में कुछ हो उसे बरस क्या। फिर भी असीर ही है, असीर फिर भी असीर ही है, फिजा में हो या फिजा से। अर्ज किया है जिगर ज़ईफ है तो खा पपीता, जिगर ज़ईफ है तो खा पपीता,
के जिगर ही से है आदमी जी। अब आपके सामने नौजवान शायर रैम्बो टार्जनपुरी अपना कलाम पेश करेंगे। रैम्बो टार्जनपुरी किया है सफाई के बदले। सफाई के बदले फर्क कर रहा हूँ सफाई के बदले अरज कर रहा हूँ। मैं अच्छा काम गरज कर रहा हूँ। बहुत अच्छे सुबहानअल्लाह। अभी चाहिए काफी मुद्दत है टार्जनपुरी अभी चाहिए काफी मुद्दत है टार्जनपुरी। अभी खुद को शायर परस डाला अभी आपने रैम्बो टार्जनपुरी से इनका कलाम सुना। अब मैं लाहौर से आए हुए शायर करामत चश्मी को दावत कलाम देता हूँ। जनाब करामत चश्मी साहब शुक्रिया। हजरात मैं पहली दफा आपके शहर में आया हूँ। गजल के चंद अशार पेश खिदमत है। दाद लेने का अच्छा तरीका सोचा भाई। ये तो कुछ मिन्नत करने वाली बात हुई। साजी आपने देखा था जी मेरी बारी कैसे ऊपर ऊपर के दाते दे रहे थे जी। शागिर्द किसके हो? मैंने कहा नहीं था तुम्हें बड़ा स्पार्क है। बस जी उस्ताद जी ये तो आपकी फौरा नवाजी है जी। अबे जाहिल फौरा नवाजी नहीं कहते जी, तुम्हें आपकी जरा नवाजी है। अच्छा जी सर उस्ताद जी जरा नवाजी है जी। तुमने देखा था जब मैं शेर पढ़ रहा था कैसे जल बुनकर दाद दे रहे थे ये लोग। अच्छा जी तो उस्ताद जी आपने मुझे वहाँ फौरन इशारा कर देना था जी। आपके इशारा करने की देर होती मैं सबके सिर में ना खड़ा होकर ना कोई वाइपर शाइपर देख के मार देता। ये ठीक है अगले मुशायरे में वाइपर साथ रखेंगे। हाँ ये ठीक है। जागो हुआ सवेरा उठो गया मेरा। अगर मुद्दा भी होता तो उससे बाहर आ जाता। ओ शायर चश्मी साहब ओ बाहर है गजल चलकर आपके दरवाजे पे आई है। वाह 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 क्या खूबसूरती से आप जमा का सवाल हल कर गई। साहब जमा दो क्या हो गया दिमाग खराब है तुम्हारा। साहब जी वो 12 नंबर जी। क्या हो गया 12 नंबर बोलो ना। 12 नंबर का जी मैंने दरवाजा खड़का के जी अंदर से नोट ही आई जी। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो सर जी। वो जो चश्मी साहब नहीं है जी वो शायर जो है वो जी इजी फील कर गए। तुम्हारा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है जी कि वो खुदकशी केस लगता है। क्या कह रहे हो तुम मुझे उसकी शक्ल से लगा था वैसी कोई हरकत है। चलो जल्दी बगैर मैं जो आपको बता रहा था ना जी मैं खुदा खैर करे पता नहीं क्या हो गया मुझे। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते जी। आप चाबी मिल गई थी आपको। मुराद ठीक कह रहा है। पता क्यों अगर तो वो सोया होता तो जाग गया होता
और अगर जाग गया होता तो जवाब देता, और अगर जवाब देता तो मैं सुनाई देता। मेरा ख्याल है वो हो गया। आहिस्ता बोलने से क्या उठ जाएगा जी? वैसे वो इजी फील तो कर ही गए। अब ऐसा करता हूँ जी कि मैं थोड़ी लेके आता हूँ तो दरवाजा तोड़ते। नहीं, दरवाजा किसी सूरत से नहीं तोड़ना चाहिए। जहाँ अगर चश्मी साहब ने अगर खुदकुशी की है या उन्हें हार्ट अटैक हुआ है तो दोनों सूरतों में ये पुलिस केसेस है, और पुलिस खुद आकर अगर दरवाजा तोड़े तो तोड़े। बिल्कुल ठीक है, बहुत अकलमंदी की बात की। बेगम साहबा की बातों का बोलती हूँ, मेरी बातों के बोझ से अगर लोग खुदकुशियाँ करने लगते तो तुम सब लोग कभी के मर चुके होते। हमें फौरन पुलिस को इतला कर देनी चाहिए, मैं जा रहा हूँ। अरे तो करो ना इतला, जल्दी करो ना पुलिस को। यूँ ठीक है, ये गद्दार घर में ही होते हैं। अब मैं पुलिस फोर्स भेज रहा हूँ यार, अब छेती आएगी, घबराने की कोई बात नहीं। बूटे अल्लाह रखा और पीर बाबू किधर है? वह भेजो उनको जरा। जी सर, आपने बताया जी। हाँ ये वेलकम गेस्ट हाउस में किसी मयूस इंसान ने खुदकुशी कर लिया है, और तुम दोनों जाओ और दरवाजा तोड़कर लाश को बरामद करो। लाश को बरामद, दरवाजा तोड़ दो सर। हाँ और अल्लाह रखे सर, वो असला लेकर जाना। आप करवाए ना जी, आपको तो पता है ना मेरा चारों तरफ ध्यान होता है। हाँ और ये ना हो कि मुर्दा जो है ना वो तुम्हारे मुकाबले पे निकल आए। मुर्दा एक ही है ना सर? हाँ जनाब, फिर मुर्दा एक तो इसी को भेजेंगे घर। नहीं यार, तुम दोनों ले जाना है। अच्छा जनाब, ओ पता है ना वेलकम गेस्ट हाउस? हाँ जी ढूंढ लेंगे सर। हाँ ये पता है, ये भी ले जाओ। लैला ने जो कुछ मुझे बताया था, मेरा मतलब वो लड़की तहमीना ने जो कुछ मुझे बताया था, उसके मुताबिक तो उस शायर का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लिहाजा हमें ही उसकी तजहीज और तकसीम का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तजहीज और तकसीम का बंदोबस्त? एक तो वो शायर बगैर गेस्ट हाउस का बिल अदा किए हमसे वहाँ खुदकुशी करके मर गया, ऊपर से हम ही वो करें क्या भाई? तजहीज और तकसीम। हाँ और क्या? नहीं ये रहने दो, ये रहने दो, तुम ये रीत पड़ जाएगी यहाँ पे। जो भी गेस्ट हाउस अच्छा। जिसका भी मरने को दिल जाएगा वो आराम से गेस्ट हाउस में आएगा और फौत हो जाएगा, और हम फिर वो करते फिरेंगे। क्या हो गया तुम्हें? बातें किए चले जा रही हो, घर में लाश पड़ी हो, तुम जो बोले चले जा रही हो, बोले चले जा रही हो, कुछ कहती हो? घर में लाश कोई नहीं पड़ी है, गेस्ट हाउस में लाश पड़ी है, और गेस्ट हाउस का अपना एक बजट होता है, समझे तुम? ठीक है, गेस्ट हाउस में पड़ी है। बहुत देर हो रही है, जल्दी मुझे बताओ क्या करना है, पुलिस आने वाली होगी। क्या कर? हाँ जी, क्या करते हैं कि जितने लोग गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं ना, तो ऐसे करके सबसे कहते हैं कि देखिए भाई, ये वक्त किसी से भी आ सकता है, किसी भी ठहरे हुए शख्स के साथ ये वाकया पेश आ सकता है गेस्ट हाउस में। लिहाजा शरीफ शायर आदमी था, शरीफ बेचारा मर गया, उसके लिए चंदा इकट्ठा करे ताकि हम इज्जत एहतराम से उसे वो कर सके। तजहीज और तकसीम। हाँ वही तो, कहाँ है रैम्बो? रैम्बो हाँ जी, वो रैम्बो तो नहीं है। हाँ जी रैम्बो कहाँ गया, कल से नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं कहाँ। गेस्ट हाउस के जितने कमरे ना सब में जाओ, सबसे जाके बड़े इज्जत एहतराम से कहना कि देखें जी, वो इस तरह एक शायर आदमी था, गरीब आदमी था, वो मर गया है, और हम चाहते हैं कि क्योंकि शायर मुल्क कौन की इज्जत होते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए कोई आप चंदा दे ताकि इज्जत और एहतराम के साथ हम उनको वो देखे जी। आप साहब जी को भी अरे मुश्किल में डाल दें जी, देखे सीधा कह देंगे जी कफन दफन के लिए बस। नहीं ये नहीं कहना, अब वो मर गया, अब तो कोई उसको इज्जत दे दो, लफ्जी कम अज कम एक अच्छा सा बोल दो उसके लिए। चले जी चले। तो फिर ठीक है, मैं इस तरह करता हूँ जी कि सारे कमरों में जाता हूँ और कहता हूँ जी कि हमने चंदा जमा करना है जी उनके लिए, वो जो शायर मर गए जी उनकी तजीज़ो तस्कीन के लिए। ये 500 रुपए मेरी तरफ। ये मेरी तरफ। सुनिए तुम भी तो कुछ पैसे दो ना, बेचारा एक तो शायर था फिर खुदकुशी कर ली उसने। देख नहीं रही हो? दे रहा हूँ मेरी तरफ से और सारे लोग भी। खुदा मरहूम की मगफरत करे, तारीख़ ए क़त्ए वफ़ात में खुद लिखूँ, हालांकि मैं नज़म का शायर हूँ।
तुम जिंदा? जी, अगर आप इसे जिंदगी समझती हैं तो। कहाँ है तुम? तुम्हारे दरवाजे, कमरे के दरवाजे को खटका के हम सारे वहां बहुत होने लगे थे और तुम्हारा पता ही नहीं, तुम गायब हो। आप हाँ। साहबा, ये एक लंबी दास्तान है। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओगे? ये शर्फ़े इंसानियत नहीं है, दी हुई खैरात वापस नहीं लेते। ये खैरात नहीं है जी, ये आपके कफन दफन के लिए हमने चंदा जमा किया था, आप पैसे वापस बारी बारी जिसने पहले दिए वो पहले लेगा, उसके बाद एक पैसे मिलेंगे। पहले बेगम साहब जी, सबसे पहले मैंने दिए, उसूल की बात है तो पहले मुझे वापस। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कितने पैसे? ये सिर्फ 5,000 जी। क्या मैं कुछ चीज उठाके मारूंगी सर पे? 5,000 कभी इकट्ठे देखे दिए तूने? हाँ जी बेगम साहब जी, वो मैंने दिए हैं जी, मैंने रश में रखे हैं, आपको नहीं बताया। तुम तो थे तो ही नहीं यहाँ पे, तुम तो थे ही नहीं, तुमने क्या पैसे दिए? खुश नहीं देखे जी, यार छोड़ा यार, नहीं पहले यार इस झगड़े झगड़े में मेरा 6,000 तो डूब जाएगा ना। 6,000? क्यों, यहाँ कमेटी निकली है जी? मैंने अपने 6 महीने की एडवांस तनख्वाह बीच में चंदे में डाल, ये बकवास कर रहे जी, मेरे 500 रुपए वापस कर रहे हैं। कौन जी? मुझे किसका पूछ रहे हैं? कौन? ओए और तुमको तो हमने ना कर दिया था, तुम्हारे साथ वो भी था आधा बूढ़ी, तो तुम जेल तोड़ कर यहाँ पहुँच गयी हो। हजूर आप मेरी गर्दन छोड़े तो मैं कुछ अर्ज करूँ? छोड़ दे। आपके जाने के बाद मैंने थानेदार साहब से कहा, हजूर मैं आवारा गर्द नहीं हूँ, वाकई ये हुआ था, अर्ज किया है। यहाँ भी अर्ज किया है। अच्छा अच्छा, मैं था, रेमबो टार्जनपुरी था, रात का 1 बजा था, खाली रास्ता सो रहा था, कानून जा रहा था, कानून हमेशा जागता है। थानेदार साहब ने ये सुनकर मुझे पास बुलाया, कहा मुंह खोलो, कहने लगे जाओ। ठीक है, मजाक ना करो मेरे साथ। मुर्दे वाला कमरा किधर है जी? मुर्दे वाला कौन सा मुर्दे वाला जी? वो यही तो मुर्दा है। हमारे साथ मजाक ना करो, हमारे साथ मजाक बनाना पड़ेगा आपको। मैं आपके साथ कैसे मजाक कर सकता हूँ जनाब? ये हमारा मेहमान जी, रात भर आपका मेहमान रहा है, हम समझ रहे थे कि इसने खुदकुशी कर ली है, ये मर गए। अच्छा तो ये रकम किस सिलसिले में आपने कटी की है? ये क्या कर रहे हैं? अटे अटे, ये जी ये आपके लिए जी, हमारे लिए। मेरा मतलब है ये कफन दफन, मजाक कर रहे हैं, कफन दफन के लिए जी, मुर्दे के कफन दफन के लिए सर।